नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, एक चीज़ जो बड़े दिनों से खटक रही है, परेशान कर रही है, आप सभी लोगों के दिमाग में भी चल रही होगी कि हम एक्चुअल में करें क्या। इस बाज़ार में आए तो थे हम सोच के कि कुछ पैसा बना लेंगे, पर क्या पैसा बना? वही पुरानी स्कूल टेक्नोलॉजीज, ओल्ड स्कूल स्टोरीज या ओल्ड स्कूल स्टडीज जिसे हम कहते हैं, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स और डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, एंगल्फिंग, एंग्विशिंग, स्पिनिंग टॉप, डॉजी, क्या नहीं, ठीक है, बहुत सारे ट्रायंगल, फ्लैग्स, कितने सारे चार्ट पैटर्न्स हैं जो हम समझ चुके हैं, देख चुके हैं, रट चुके हैं, फ्री की यूट्यूब वीडियोस में भी और बहुत सारे ट्रेनिंग क्लासेस में भी। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप आज तक पैसा नहीं बना पाए? क्या ऐसा हो रहा है कि हर बार हम फेल हो रहे हैं? सोचा है आपने कभी ऐसा क्या है कि इस बाजार में पैसा बनाना इतना मुश्किल हो गया है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है करेक्ट इंफॉर्मेशन को ना समझना। दोस्तों, मैं कहना नहीं चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि मैं इस चीज के अंदर नहीं फंसना चाहता हूं, ना ही मैं इस चीज के अंदर पढ़ना चाहता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे का नाम लेके पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों ने तो डेटा का मजाक तक उड़ा दिया था कि बहुत सारी ऑप्शन चेन फेल हो गई, इतनी स्ट्राइक प्राइस उड़ गई, बाजार तबाह हो गया और बहुत डेटा को टेटा कर दिया, बहुत सारा उल्टा सीधा ज्ञान लोग बांट रहे हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी थ्योरीज लोग पढ़ा रहे हैं, ये बोल के, ये कह के ये बरगलाया जा रहा है कि बॉस आप इस तरफ मत जाइए, ऑप्शन चेन में कुछ रखा नहीं है, ऑप्शन चेन में कुछ नहीं रखा, ऑप्शन चेन वाले फेल हो गए। कोई इनसे पूछ के देखे, कुछ दिन पहले ये लोग वीडियो बना रहे थे कि बाजार में शॉर्ट मत कर देना बॉस, एक मैसेज था कि शॉर्ट मार्क कर देना कपड़े फट जाएंगे, ये लाइन थी कपड़े उतर जाएंगे, बाजार कहीं का छोड़ेगा नहीं, बाजार सुप्रीम है, मैं बता रहा हूं, शॉर्ट मार्क कर देना, जो लोग बाय नहीं करना बाय मत करो, शॉर्ट मार्क कर देना। क्या बाजार था उस टाइम पे, कहां से बाजार कहां आ गया? अगर दोस्तों, अगर आपको शक हो तो कल की वीडियो जो मैं स्टूडेंट्स के लिए डालने वाला था, मैंने जानबूझ के उस वीडियो को, प्राइवेट वीडियो को मैंने पब्लिक किया अपनी जानते बूझते हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि आपके पास कम से कम एक वो सटीक एनालिसिस पहुंच जाए कि बाजार में अच्छा एनालिसिस भी पॉसिबल है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हम 15 साल से 20 साल में बाजार में हैं, बाजार में क्या किया क्या नहीं किया वो जानते हैं, उनका भगवान जानता है और कोई जानता नहीं है, उनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनके स्टूडेंट्स क्या कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, ठीक है, खाली ये बता देने से मैं बड़ा पैसा कमाता हूं और आप मेरी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। दोस्तों, मैं किसी पर छींटाकशी नहीं करना चाहता हूं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे आके कहेंगे कि बॉस ये नहीं करना चाहिए था आपको ये सब नहीं करना, मैं समझता हूं इस चीज़ को, पर ठीक है, तकलीफ होती है जब मैं सुनता हूं कि लोग बहुत महंगी फीस पे कर रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा है। अब समझने वाली बात क्या है कि असल में चीज़ है क्या, आप वो समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी हूँ, बाय क्वालिफिकेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, MCA हूँ, MCA होने के बाद मैंने MBA किया था, तो मेरे इनिशियल डेज में मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर चुका हूँ और अभी तक मुझे एहसास है, मुझे मालूम है कि बाजार में जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वो स्टॉक मार्केट के हों चाहे किसी भी चीज़ के, सबके पीछे इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ इसको अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है स्टॉक मार्केट में ज़रा सा भी अगर एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उस बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम चर्चा किसी को टारगेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई डेटा इंपॉर्टेंट है, क्या वाकई ऑप्शन चेन ये बता सकती है कि इसमें क्या हो रहा है बाजार में, क्या मोमेंटम क्या है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि ऑप्शन चेन एक मोमेंटम है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी कुछ नहीं है, अगर टेम्परेरी होता तो फ्यूचर ऑन ऑप्शंस को बनाया ही नहीं जाता, उसमें स्टॉक्स डाले ही नहीं जाते, सिर्फ इक्विटी रहती और इक्विटी ही हमेशा चलती। फ्यूचर ऑप्शन में आने का क्या मतलब होता है? फ्यूचर में ऑप्शन में आने का मतलब है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो एक तरफ से पैसा नहीं बनाना चाहता, जब वो बाइंग करना स्टार्ट करता है, जब वो बाजार में हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए डालता है। दोस्तों, FIDI डेटा अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत बड़ा डेटा है, आप प्लीज़ NSE की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, मनी कंट्रोल भी देख सकते हैं, बहुत सारी ब्रोकिंग की वेबसाइट्स है जहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रोकर्स की वेबसाइट्स पर डेटा फ्री मिलता है, बट इनिशियली डेटा का सोर्स NSEIndia.com है, ठीक है, वहाँ जाके देख सकते हैं, उस पर क्लियरली आता है कि डेली आज के देश में, आज की डेट में कितने करोड़ की बाइंग हुई है, कितने करोड़ की सेलिंग हुई है। ये क्या है, कौन है ये सेलिंग करने वाले, बाइंग करने वाले? ये मार्केट मेकर्स हैं दोस्तों, ये लोग हैं जो मार्केट बनाते हैं, जो चार्ट सुप्रीम है कह देने से कुछ नहीं होता, चार्ट कुछ नहीं होता। मैं प्रोग्रामर हूं, मैं बता देता हूं, किसी प्रोग्रामर से पूछ लीजिए, जो बाइंग होती है, प्रोग्राम एक डिजाइन किया जाता है, उसमें बाइंग सेलिंग के कोड डाले जाते हैं, प्लस माइनस के कोड डाले जाते हैं, उसमें डेटा का इनपुट दिया जाता है कि ये डेटा इनपुट होगा, उसका आउटपुट ऐसा दिखाई देगा। अगर प्लस हुआ है, पिछले प्राइस से प्राइस ऊपर मूव हुआ है तो ये कैंडल ऊपर बनेगी, नीचे आए तो कैंडल नीचे बनेगी, यह चार्ट पैटर्न है, वो चार्ट पैटर्न से। दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न सब के सब लैगिंग हैं,
मैं सभी यूट्यूबर से, सभी टेक्निकल एनालिस्ट के कोर्सेज वालों को चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सबने ये तो बता दिया कि सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, क्या किसी ने आज तक ये बताने की कोशिश की कि लीडिंग है क्या? क्या लीडिंग ऐसी कोई चीज़? आप सोच के देखिए कितना बेवकूफ़ बना देने वाला शब्द है लीडिंग इंडिकेटर। हर कोई कहता है कि लीडिंग इंडिकेटर पे काम करो, प्राइस एक्शन पे काम करो, कैंडलस्टिक्स लीडिंग इंडिकेटर है। मैं पूछना चाहता हूँ कैंडलस्टिक्स लीडिंग इंडिकेटर कैसे हो गया, या कोई और लीडिंग इंडिकेटर जिसको आप लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं? मेरे को तो आज तक कोई सामने नहीं आया कि जो लीडिंग इंडिकेटर को प्रूव कर सके दिस इज द रियल लीडिंग इंडिकेटर। तो समझिए हो क्या रहा है, जब कोई डेटा आता है, कोई बायर हूँ मैं, इन्वेस्टर हूँ, समझ लीजिए आप इन्वेस्टर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, आपको 100, 200, 500, हज़ारों करोड़ रुपए बाजार में लगाने हैं, जो FI करते हैं, जो FPIs करते हैं, जो क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशनल बायर्स करते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले करते हैं, उनकी एक बाइंग होती है, एक फंड मैनेजर करता है, उनकी एक सेलिंग होती है, एक बड़ी हैवी क्वांटिटी में वो काम करते हैं, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर में हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों शेयर्स वो बाय करके रखते हैं एक पोर्टफोलियो के लिए। जब उनकी बाइंग स्टार्ट होती है, जब बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, तो ऑफकोर्स जब किसी चीज़ की मांग बढ़ती है, इकोनॉमिक का प्योर नियम है कि व्हेन डिमांड राइजेस प्राइस आल्सो टेंड टू राइजेस, प्राइस भी बढ़ता है। जब भाव गिरता कब है? जब उसकी सप्लाई ज्यादा आ जाती है। सप्लाई कब आएगी? जब मुझे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, माल बाजार में ऑफलोड करना है, सारा माल बाजार में बेचना है, तो उस भाव को नीचे गिरना संभव है, होगा ही होगा, उसको नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता। दिस इज ओनली द एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, प्योर डिमांड एंड सप्लाई, जो साइंस में जो हमने साइंस कह रहा हूँ मैं, कॉमर्स में जो हमने पढ़ा होगा, अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, प्योर डिमांड सप्लाई से प्राइस डिस्कवरी होती है। व्हेन ए ट्रेड हैपेंस, एक प्राइस डिस्कवरी कहलाती है, ठीक है? वो प्राइस डिस्कवरी ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है। पिछले भाव से नया भाव ऊपर हुआ तो प्राइस डिस्कवरी नए भाव की, ऊंचे भाव की हुई, और अगर प्राइस डिस्कवरी नीचे की हुई है, नीचा भाव अगर अगला भाव मंदा है तो प्राइस डिस्कवरी निचले भाव की हुई है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि प्राइस डिस्कवरी कोई ऑटोमेटिक चीज़ है या कोई बहुत चमत्कारी चीज है। हम ट्रेड कर रहे हैं, एक बायर एक सेलर से मिल रहा है, प्राइस पे सौदा तय कर रहा है कि हाँ मैं इतने में खरीदना चाहता हूं, मैं इतने में बेचना चाहता हूं, दोनों का सौदा मैच कर जाता है, एक ट्रेड कहलाता है। ब्यूटी है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की, हमें यह नहीं पता होता कि हम किससे खरीद रहे हैं, कौन किसे बेच रहा है, यह अच्छी बात है, हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो डिजिटल मीडियम पर आने का यह फायदा है। एक टाइम था जब बोली लगा के शेयर्स बेचे जाते तो हमें पता होता था कौन खरीदने वाला है, कौन बेचने वाला है, हम उसको इन्फ्लुएंस कर पाते थे, ठीक है ना? बहुत सारे फ्रॉड उस टाइम पे भी हुए हैं, आज भी होते हैं। अब समझ लीजिए डेटा है क्या, जब वो बायर कौन है, हजारों करोड़ का बायर, हजारों करोड़ का सेलर, आप देखिए हजारों लाखों करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, छोटी मोटी बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो जो चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करने वाले हैं, जो चार्ट पैटर्न्स को भगवान मानते हैं, जो कहते हैं चार्ट पैटर्न सुप्रीम है, मार्केट सुप्रीम है, कौन है मार्केट? मार्केट कुछ नहीं है दोस्तों, मार्केट सुप्रीम नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब मूर्ख बनाने की चीजें हैं, दिमाग में एक प्रोग्रामिंग आपके डाली जा रही है। कोई मार्केट सुप्रीम नहीं है, मार्केट मेकर्स मार्केट बनाते हैं। मार्केट मेकर्स कौन है? जो लाखों करोड़ों की बाइंग हर महीने करता है, जो बाइंग करने लगेगा, 100 रुपए का शेयर अगर वो खरीदने लगता है और लाखों करोड़ों रुपए उसने लगाने हैं, सपोज कीजिए XYZ लिमिटेड 5, 6, 7, 8 कंपनीज उसको खरीदनी है और सब में बहुत नंबर ऑफ क्वांटिटीज उसको परचेज करनी है, क्योंकि अपने देश से जब हमारे देश में आए हैं तो रिटर्न्स कमाने के लिए आए हैं। अगर उनको रिटर्न्स ही नहीं मिलेंगी तो हमारे देश में क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। तो जब हम बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तो 100 रुपए का भाव बढ़ते बढ़ते 100, 101, 102, 110, 120, 140 भी जा सकता है। वो हमारी बाइंग की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे एक पर्टिकुलर शेयर में कितनी बाइंग करनी है। और जब मुझे लगता है कि ठीक है वो भाव बढ़ गया, अब इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, कंपनी के फिर मोमेंट्री जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, सेल्स अच्छा कर रही है, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो उसका भाव ऑटोमेटिकली बाइंग सेलिंग होती रहेगी, मार्केट में भाव ऊपर जाता रहेगा। एक टाइम टारगेट सेट होता है इनका कि मुझे निकलना कब है। जब उनको लगता है कि हाँ मेरी रिटर्न्स इतनी थी, अब मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, बैंक से अच्छा रहा है, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा रहा है, वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। जब प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं तो माल को बाजार में बेचा जाता है। बेचने के लिए वो सिर्फ उन्हीं चुनिंदा शेयर्स का खरीदने और बेचने के लिए सिर्फ उन्हीं चुनिंदा शेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत सारे हैं, बायर्स बहुत सारे हैं। बायर्स होंगे तो बाजार में माल को बेचने में आसानी होगी, मेरे शेयर का कोई खरीदार मिलेगा। अगर मुझे खरीदार नहीं मिलेगा, लोअर सर्किट लगेगा, मैं कभी भी निकल नहीं पाऊंगा। तो समझ के देखिए, निफ्टी 50 फ्यूचर ऑप्शंस के 150 शेयर, पौने 200 शेयर, वो सारे शेयर्स हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के फेवरेट हैं। ये वो सभी शेयर्स हैं जो फंड मैनेजर्स के फेवरेट हैं, या ये वो शेयर्स जो FIs, FPIs, हेज फंड वालों के फेवरेट शेयर्स हैं, वो इन्हीं में काम करते हैं दोस्तों, ठीक है? हम पूरी दुनिया में 8,000, 10,000 शेयर्स का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, वहाँ काम करते रहते हैं, पर असली मलाई, असली
असली मक्खन एफएनओ के शेयर्स में ही है। हम लोग को डराया जाता है कि फ्यूचर्स में काम नहीं करना, हम लोग को डराया जाता है कि ऑप्शंस में काम नहीं करना, तो ऑप्शन ग्रीक्स बना दिए गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी गई जिससे डरा दिया जाता है। दोस्तों अगर हमारी टाइमिंग करेक्ट होगी ना तो हमें कोई ऑप्शन ग्रीक्स परेशान नहीं कर सकता, हमें टाइम वैल्यू भी परेशान नहीं कर सकती, हमें उसका वोलेटिलिटी भी परेशान नहीं कर सकती, हमें कोई भी ऑप्शन ग्रीक्स परेशान नहीं कर सकते हैं। हमें समझने वाली चीज़ है कि करेक्ट एंट्री जब मिलेगी आपको तो भाव ने ऊपर जाना ही जाना है। अब डेटा की बात करते हैं, डेटा क्या, यही एक डेटा है, कितना बाय हुआ, कितना सेल हुआ, कौन एंटर हुआ, कौन एग्जिट हुआ, कितना क्वांटम से एंटर हुआ, कितने क्वांटम से एग्जिट हुआ, और उस एंट्री और एग्जिट से कितना उस प्राइस के ऊपर फर्क पड़ा, वही डेटा है। और वो डेटा जब एक प्रोग्रामिंग के तहत एक सॉफ्टवेयर में इम्प्लांट होता है दोस्तों, तो एक कैंडलस्टिक बन जाती है, या एक मूविंग एवरेज कहलाती है, या एक बॉलिंगर बैंड बन जाता है, ऑसम ऑसिलेटर बन जाता है, बहुत सारे ऑसिलेटर्स बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए हैं आजकल। जितने एनालिसिस के कोर्सेज हैं उतने ज़्यादा इंडिकेटर्स नए नए पैदा होते जा रहे हैं, एलिगेटर बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया, नियो वेव, इलियट वेव, बहुत पुरानी वेव्स हैं, ठीक है, जो आज तक वेव्स ही चल रही हैं दोस्तों। ये सब वो पैटर्न्स हैं जो होने के बाद, छपने के बाद बड़ा अच्छा बताता है कि ए बी सी डी ई कॉम्प्लेक्स करेक्शन वालों की इस बाज़ार में पिटाई होती होती है, इस बाज़ार में कॉम्प्लेक्स करेक्शन वाले बर्बाद हो जाएंगे जो सिर्फ चार्ट के बेस पे बैठे रहेंगे। जो आज के दोस्तों आज का टाइम स्मार्ट का वर्क करने का है, हार्ड वर्क करने का नहीं है। अगर आप स्मार्टली उस डेटा को रीड कर सकते हैं, ऑप्शन चेन NSCA आपके सामने दे रहा है फ्री में, किस लिए, इन्वेस्टर के लिए दोस्तों, आप समझिए, वो आपका डेटा है, आपके लिए डेटा है, आपको बताया जा रहा है कि दोस्तों इसमें ये ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, बाजार में लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप है, एक बड़े ट्रेडर की साइकोलॉजी एक्चुअल में उसका ट्रेडिंग स्टाइल आपके सामने रिवील किया जा रहा है। कितनी बड़ी चीज़ है, किसी को लीक करने की जरूरत नहीं है, NSCA आपको अपने आप बता रही है, किसी से डेटा परचेज करने की जरूरत नहीं है, NSCA आपको फ्री में दे रही है। इतने इंपॉर्टेंट डेटा को अगर हम समझ के अपने चार्ट पैटर्न्स के साथ में, अपनी पुरानी स्टडीज के साथ में अगर थोड़ा सा हम उसको एम्बाइब कर लें, उसको हम शामिल कर लें, दोस्तों मेरा दावा है, मैं आपको दावा दे सकता हूं कि आप भी मेरे उन हजारों स्टूडेंट्स की तरह से जो डेली पैसा बना रहे हैं, आप भी पैसा बना सकते हैं। दोस्तों कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें बहुत क्लियरली मैंने कहा था कि निफ्टी 300 के आसपास आए तो बाय कीजिएगा, ठीक है ना, 325 के आसपास आए आप बाय कीजिएगा, बाइंग का वहां से फटाक से 100 रुपए की वापस रिकवरी मिली। ट्रेडिंग करना एक आर्ट है, कला है, कला, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों को वो कला नहीं आती है। हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स की बात की, हमने चार टॉप गेनर्स की बात की थी, चार टॉप लूजर्स की बात की थी, कौन कौन से शेयर्स की बात की थी, प्लीज़ मैं भी नहीं बताना चाहूँगा, उसमें फिर से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप इस वीडियो में लिंक आपको आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, देखिए कि हमने एक रात पहले कैसे एनालिसिस किया कि कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर का एनालिसिस हमने 30 सितंबर में ही कर दिया था, और एग्जैक्टली स्टॉक्स ने अपने वही लो लगाए हैं, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो यस बैंक हो, चाहे वो कोई भी शेयर हो, ठीक है, हमने 8 शेयर्स की बात की थी। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, सारी मेहनत मुझसे इसी वीडियो में सुनने के तो मज़ा नहीं आएगा, प्लीज़ जाके देखिए, ये एनालिसिस संभव है और ये एनालिसिस आप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, आप भी ऑप्शन चेन में मास्टरी करना चाहते हैं, देन वी हैव ऑप्शन चेन मास्टर क्लास एवरी मंथ देर इन अ पर्टिकुलर सिटी। दिस मंथ वी हैव अ मास्टर क्लास इन मुंबई ऑन 13th of October, एंड देन वी आर मूविंग टू राजकोट इन गुजरात ऑन 20th of October। मैं वापस बता दूँ, जो हिंदी श्रोता है मेरे, 13 अक्टूबर को हम मुंबई जा रहे हैं मास्टर क्लास करने के लिए, ऑप्शन चेन मास्टर क्लास करने के लिए, और 20 अक्टूबर को हम जा रहे हैं राजकोट, गुजरात के राजकोट में जा रहे हैं। जो भी आसपास है दोस्तों, और जो भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, जो भी समझते हैं कि स्टॉक मार्केट को करियर बनाना आसान है, जी हाँ, बेहद आसान है, आप आइए मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए। ये एनालिसिस, ये डेटा एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन चेन मास्टर क्लास आपको कितना मास्टरी करके देती है, आप हैरान हो जाएंगे कि बाजार में हाई लो को पकड़ना कितना आसान है, आप हैरान हो जाएंगे स्टॉक सिलेक्शन कितना आसान है, आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई पैसा बन सकता है। टेलीग्राम चैनल को देखिए जाके कितने लोग पैसा बनाते हैं, मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट तो डाल भी नहीं पाता हूँ, डेली के हज़ारों मैसेज मुझे आ जाते हैं जिनको रीड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल मेरा रहता है, जितने लोगों का सामने आता है टाइम लगता है, देखता हूँ रात भर तक स्क्रीनशॉट वहाँ डालता रहता हूँ, ठीक है, मेरे क्लाइंट्स के स्क्रीनशॉट है, कोई ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि दोस्त मैं अपने HTML में एडिट करके स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स के हैं, हूबहू मेरे क्लाइंट्स के हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में ऐसी कुछ चीज़ें करने वाले हैं कि जो हमारे मास्टर ट्रेडर्स होंगे,
जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के भी, मैं अपने मास्टर ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो ऑप्शन चेन मास्टर क्लास के बाद मास्टर ट्रेडर बन जाते हैं, ठीक है, एक्चुअल मास्टर ट्रेडर ऑप्शन चेन के बाद में, चाहे वो इक्विटी में काम करना हो, चाहे वो फ्यूचर्स में काम करना हो, चाहे वो ऑप्शन में काम करना हो। दोस्तों बहुत ब्यूटीफुली और बहुत बच्चों की तरह हम काम करते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से काम कर लेते हैं। तो अगर आपको भी ये गुर सीखना है, आपको भी ये सीक्रेट सीखना है, तो आइए मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए। मुंबई 13 अक्टूबर और गुजरात में हम करने वाले राजकोट 20 अक्टूबर। आइए अपने दोस्तों को बताइए, ट्रेडिंग फैटर्निटी में इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो अच्छा अगर लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं पसंद आता तो कमेंट लिखिए, कमेंट के ऊपर रिएक्शन जरूर आएगा और आपके हर कमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे, उस पर अगर कोई इंप्रूवमेंट की स्कोप होगी तो उसको इंप्रूव जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।